अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति की नई तस्वीर सामने आई है। पंजशीर घाटी से अमरुल्ला साले की नई तस्वीर जारी हुई है। अमरुल्ला साले के बेटे इब्द साले ने ट्विटर पर यह तस्वीर शेयर की है। पंजशीर घाटी से अमरुल्ला साले की यह नई तस्वीर आई है। फिलहाल एक पहाड़ चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एंटी तालिबान फोर्स के नेता और अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति, हम इन्हें कह सकते हैं अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। इससे पहले जो तस्वीर सामने आई थी कुछ दिन पहले, जिस वक्त तालिबान पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया था, पांच शेरों की धरती पंजशीर, अमरुल्ला साले की अगुवाई में फिलहाल वहां पे तालिबान एंटी तालिबान फ्रंट काम कर रहा है और भी जो तमाम कबीला नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं। उनके बेटे ने आज ये तस्वीर पोस्ट की जब एक पहाड़ चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इब्द ने तस्वीर पोस्ट की है। इससे पहले भी हमने देखा था अमरुल्ला साले बास्केटबॉल खेलते हुए नजर आए थे, वो तस्वीर भी वहाँ के लोकल लोगों के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए नजर आए थे, वो तस्वीर भी कुछ ही दिन पहले की थी जब वो सामने आई थी। तो पंजशीर घाटी से अमरुल्ला साले की ये एक नई तस्वीर सामने आई। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में इंटरनेट ठप हो गया है। पंजशीर प्रांत में फोन कॉल मैसेज सर्विस सब कुछ ठप है। एंटी तालिबान फोर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि यह कदम पंजशीर की आम जनता के खिलाफ है, लेकिन क्योंकि तालिबान का अब तक पंजशीर पर कब्जा नहीं हो पाया है तो क्या तालिबान पंजशीर पर बड़े कब्जे की तैयारी में है, पंजशीर पर हमला करने की तैयारी में है? हालांकि पंजशीर के आसपास तालिबान मौजूद है, तालिबान के आतंकी मौजूद हैं, लेकिन अभी पंजशीर में वो दाखिल नहीं हो पाया है। तो फिलहाल इंटरनेट और फोन सेवा काट दी गई है। तो फिलहाल मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, क्या खबर आ पा रही है, क्योंकि पंजशीर कहीं ना कहीं एक दुखती रंग तालिबान की बना हुआ है। अमरुल्ला साले की नई तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन फिलहाल खबर है कि वहां पर फोन कॉल काटा गया है, इंटरनेट सेवा जो है वो ठप कर दी गई है। और अब आपके पास क्या खबरें आ रही हैं? देखिए सचिन, पंजशीर वो एरिया है, पंजशीर वैली, जहाँ पर अमरुल्ला साले हो या अहमद मसूद हो, फौजी फोर्सेस है और कई तो अफगानिस्तान सेना में जो जवान थे वो वहां इकट्ठे हो रहे हैं और रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से एक फोर्स वहां तैयार हो रही है। तालिबान को इस वक्त डर लग रहा है, तालिबान को लग रहा है कि ये उनके लिए बड़ा हेडेक होने वाला है। तो इसके प्रिंसिपल बिल्डर के तौर पर उन्होंने पहले तो उन सारे रास्तों को बंद करना शुरू किया है जो पंजशीर घाटी की तरफ जाते हैं, उन्होंने बिल्डर बढ़ाया है, वो इंटरनेट को काट रहे हैं ताकि वहां से कई वीडियो जो फोटो हम दिखा रहे हैं या अभी कुछ दिनों पहले रेजिस्टेंस फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए जो नए कार्डर्स आए थे, जो नए रिक्रूटेड थे और वो किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे थे, उसके वीडियोज कई आए थे। तो तालिबान को लग रहा है कि वहां से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इसको रोका जाए, सप्लाई लाइन काटी जाए जिससे वहां पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके ताकि कितने लोग हैं जो पंजशीर के लोग हैं ये विवश किया जा सके कि जो तालिबान कह रहा है वो मान लें और अपने हथियार को ये सरेंडर करके हथियार दे दें। लगातार दुनिया भर के कई सेनेटर्स हैं, कई लीडर्स हैं जो अमरुल्ला साले से बात कर रहे हैं और मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो भी सरकार बने अफगानिस्तान में वो सबकी सहमत के आधार पर बने और जो तालिबान ने तरीका अपनाया, कई जो वर्ल्ड के लीडर हैं, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो उसको सही नहीं मान रहे हैं। दूसरी तरफ सचिन, अगर आप देखेंगे तो तीन चार दिन पहले ताजिकिस्तान का जो बयान आया है जो ये कह रहे हैं कि वो तालिबान की गवर्नमेंट को मान्यता नहीं देंगे क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जुल्म किए जा रहे हैं
और सबको अगर वो एक साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो तालिबान गवर्नमेंट को वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तालिबान को लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो इंटरनेशनल सपोर्ट अमरुल्ला साले को या अहमद मसूद को मिल रहा है, जिस लेवल पे वहाँ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और आसिमत बुजुर्ग के लिए वही एरिया है जब 1992 में जिन्होंने रशियन आर्मी को भी हरा दिया था, और रशियन जब अफगानिस्तान में आए थे तो वो संक्षेप में कब्जा नहीं कर पाए थे, तालिबान तो कभी आ ही नहीं पाया यहाँ पे। तो इसी तालिबान को मालूम है, और यही वजह है कि एक अभी अमेरिकी कह रहे हैं कि अटैक करने जा रहे हैं, लेकिन हमेशा अटैक करने से पहले एक प्रोसेस होता है कि आप कई ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, कई तरीके इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका दुश्मन सरेंडर हो जाए, आपके खुदों पर आ जाए, और हमें ऐसा लगता है कि तालिबान इस वक्त यही करने की कोशिश कर रहा है। शुक्रिया मनीष। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तालिबान, क्योंकि चारों तरफ तालिबान है तो सही, लेकिन ये तालिबान की कहीं ना कहीं दुख-तिरक है, ये पांच शेरों की ताकत है कि इस तरीके से वो पंजशीर पर अपना ताकत, अपना जो है तालिबानी फरमान या अपना तालिबानी हक जो है वो नहीं अब तक जमा पाया है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।